बाद इंद्रायणी उनकी पत्नी बहुत ढूंढने लगी, मेरा पति कहाँ है, मेरा पति कहाँ है। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते उसको पता लगा कि मेरा पति वहाँ पत्थरों के बीच में छुपा हुआ है। घबरा गया उसको देख के भी, मेरे को मार डालेंगे लोग। ये क्या बोलते, तू घबराए मत, मैं तुझे साथ देती हूँ, तू क्या साथ देगी मुझे, मेरा बचन है। उसको मालूम था कि राजा बलि को रक्षा बांधे थे, इस बल पर से ये तीनों ने राजपाट छीन लिया था, वैसा ही मेरे पति को मैं रक्षा बांधूंगी तो उसकी हिम्मत आ जाएगी। तो उसने पदर फाड़ के उसके हाथ कलाई में बांध दी, बोलते पतिराज ये रक्षा मैं करूंगी आपके, आप हिम्मत से लड़ो और अच्छे हिम्मत से लड़ो और सेना सजा के लड़ो। तब इसने उतना हिम्मत पकड़ा और धैर्य के साथ में लड़के विजय हुआ करके वो पत्नी ने पति को धागा बांध के विजय हुई। ये प्रथा से वो लोग चालू किए रक्षा बंधन का। फिर धीरे धीरे वो बदलाते बदलाते बहन भाई को रक्षा बांधने लगे, लेकिन उनके पत्नी ने पति को धागा बांध दिया। पहले के जमाने में जितने भी बुजुर्ग होंगे रक्षा ये राखी का त्योहार कभी इतना नहीं मानते थे। बहन कभी के अपने भाई के घर नहीं जाती थी राखी बांधने, ये हिंदुओं का देखी थी, हिंदू प्रचार होने लगा। वो सिमगा है, दक्ष ने यज्ञ रखा था, यज्ञ रखने के बाद वो पार्वती जब उसको पति मान ली थी उसको नष्ट किया था, वो गई थी जबरदस्ती। वो सिमगा वो चिल्लाने लगे शिवम गौरा हे शंभू, हिमाचल गोंड राजा किया मैनावती गोंडिन के पेट में मैं गौरा के रूप में फिर जन्म लेती हूँ, तुझे पति बना, चाहे तो बुढ़ा हो जाएगा फिर भी तुझे पति बनाऊंगा। वो शिवम गौरा तो वो चिल्लाते आए थे शंभू, क्या ये क्या है, बोले शिवम गौरा नहीं, बोले वो पार्वती ऐसी चिल्ला रहे, बोले यज्ञ के अंदर जल रहे मर रहे, बोले वो ये जाकर के तांडव नृत्य किया उसका शरीर उठाया शंभू ने और 108 ठिकान में उसके छल्ले गिरे, कपड़े गिरे, मांस गिरा, 108 शक्ति स्थल भारत देश में बने। उसी प्रकार जो अपने को जहर दिए थे शंभू को मारने के लिए, अमृत का कुंड जो था कुपार लिंगों ने 12 जगह 12 देव तक अपने तक होते हैं, 12 घाघरा होते हैं, वैसे 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना शंभू ये कुपार लिंगों ने किया इस भारत देश में। उस सबसे नाम गिरा है इसका पिंड लिंगो पिंडो, अरे मेरी माताएं भी है उसके अर्थ और अलग कुछ होते, लेकिन आप जानने वाले जान लो लिंगो और पिंडो क्या चीज होता है कि दोनों का संगम होकर जीव निर्माण होता है, वो लिंग पिंड होता है। तो इन्होंने आर्यों ने ऐसा प्रचार किया कि शिवलिंग शिव का लिंग और अपने ये दो वोटों को क्या बोलते अपन लोग गोडी में, किसको गोंडी आती हाथ ऊपर करो, खड़े होके बताओ शिवली बोलते क्यों, शिवली बोलते गोंडी में, वो आपटते एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसा उन्होंने प्रचार किया वो सल्ला घांगरा को, घांगरा शक्ति को शिव का लिंग बता करके ऐसे प्रचारित किया अपन इस वोट को शिवली बोलते, वैसे पैर को गोंडी में क्या बोलते अपन लोग, वो मौत को काल बोलते हैं। वो जबकि न मंदर हो ये काल आ रहा है साल अपने को मार डालेगा, मौत आ रहा है अपना, ये बोलते पैर को काल मत बजने देना और शत्रु को मारना है तो बड़े आइडिया से जाना, ये काल काल करते तो काल को क्या बोले मौत, मौत आ रहा है रे, मौत आ रहा है। अच्छा लेके जा को क्या बोलते है गुंडी में, ये लेके जा वो, ये शब्द कहां से निकला गोंडी भाषा, वो नमो मजे हमें सेवा मजे सेवा में लेके जा, ए शंभु हमको अपने सेवा में लेके जा। तो इन्होंने सुन लिया, अरे ओम तो सबसे श्रेष्ठ चीज है बोलता, ओम से सबकी निर्मिति हुई है, ऐसे उसने हमारे से कहानियां बना बना करके इन्होंने अपना प्रचार कर लिया, हमारे धार्मिक स्थल लूट लिए, हमारे लोगों की हर चीज लूटा। ठीक है तो आप लोग कोया पुनम दर्शन लेना और प्रवचन सुने आप लोगों ने, लेकिन
मेरा पहला मुद्दा यह है कि आप लोग हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तालुका में प्रत्येक भूमिका ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेकर के एक दूसरे को समाचार देते रहना चाहिए, मीटिंग का, कार्यक्रमों का। और जब तक कि आप एक दूसरे से संपर्क नहीं करोगे तो आपकी संगठन कैसे बनाए रहेंगे। कोई भूमिका दो जन आते, दूसरा भूमिका चार लोग आ जाते, तीसरा भूमिका अकेला ही आ जाता। एक भूमिका छिंदवाड़ा जिले का भटक गया था, मैं कचारगढ़ में और घर में आया था। रात का मौसम, रात में शाम को मेरे को घर से फोन आया कि आपके भूमिका, अपने भूमिका जी आए हैं, अब कैसा करूं, मैं तो इधर पड़ा हूं, उससे बात करने दो।